अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई क्या हाल है सब? कह रहे एको मैन टू द लॉस्ट किंगडम इस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ। तो मैं पता है ये मूवी असल में डीसीयू की आखिरी मूवी होने वाली है। इसके बाद जो कुछ शुरुआत होगी वो जेम्स गन के नए एरा के अंदर होगी, जो कि पहली फिल्म उनकी होगी जो कि होगी सुपरमैन लेगेसी। ये हाईली इंजॉयबल मूवी है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा है कि इसके सीन्स प्रिडिक्टेबल हैं, तो पहले से पता चल जाता है क्या कुछ कैसे कैसे होने वाला है। तो काइंड ऑफ तुम कह सकते हो कुछ जगहों पर प्रिडिक्टेबल है। आखिरी मूवी है, एक आखिरी मौका दे दो। खैर कोई बात नहीं, जाने देते हैं, जैसे चल रही है चलने दो। लेकिन कुछ बातें अगर बताऊँ इस मूवी के अंदर, जो करेक्टर्स हमें दिखाएंगे उन करेक्टर्स का जो करेक्टर डेवलपमेंट है वो काफ़ी गुड किस्म का, मतलब अच्छे तरीके से इंप्रूव हो जाता है, तो वो चीज़ काबिले तारीफ है। मूवी को काइंड ऑफ अपना मार्वल डीसी ना समझ के तुम एक जनरल मूवी समझ के इसको देखो, तो तुम्हारे लिए एक तुम कैसे तो एक क्रिसमस हॉलीडे के हिसाब से मूवी काफ़ी स्पेशल हो जाएगी। एक ह्यूज फिल्म कंसीडर तुम इसको कर सकते हो, जहाँ इस मूवी के डायरेक्टर हमारे पास है जेम्स वैन्स। उनकी डायरेक्शन इस मूवी के अंदर पार्ट वन ओरिजिनल एक्वामैन से ज़्यादा अच्छी तरीके से इस पार्ट का डायरेक्शन उन्होंने किया है। और तुम कैसे तो हाईली इंजॉयबल मैसिव एक्शन मूवी है, तुम चाहो तो तुम देख सकते हो। मास एक्शन पसंद है तो तुम्हारे लिए ये मूवी है। इस तरह का एक्शन वगैरह पसंद है तो तुम्हें काइंड ऑफ ये तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा। इस मूवी के अंदर जो क्रिएचर्स हमें देखने को मिले हैं वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थे। इंप्रूव करने की कोशिश की है कि स्पेशल इफेक्ट्स इस मूवी के अंदर वो ऑन पॉइंट है। कहीं कहीं ज़रूरत होती है तो वो नेसेसरी वहाँ पे मेहनत की है, हाँ पता चलता है। लेकिन एक चीज़ है जो प्रॉब्लम है ना, वो स्टोरी टेलिंग की है कि तुम कहते हो कि हाँ डायरेक्टर ने बनाया है, लेकिन राइटर्स की जो क्रिएटिव चॉइस थी ना, जो राइटर्स थे वो अपने विजन को सही तरीके से क्लियर नहीं कर सके। वैसे तो जॉनी डेप वो जो एम्बर हर्ड वाला सीन चला था, उस वजह से उन्होंने एम्बर हर्ड के रोल्स को कट कर दिया, काफ़ी ज़्यादा सीन्स उसके कट कर दिए। तो मैं पता चल जाता है कि हाँ भाई उन्होंने एम्बर हर्ड के रोल को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करी है, और वो चीज़ असल में स्टोरी के ऊपर बहुत गहरा इफेक्ट डाल देती है। एम्बर हर्ड के हालात की वजह से, उसके रवैये की वजह से तुम देख सकते हो कि हाँ भाई मूवी के अंदर जितने सीन्स उसके थे उनको स्केल बैक किया गया, उनको पीछे किया गया, जिस तरीके से पता चल जाता है कि हाँ भाई कहाँ कहाँ कट सीन उन्होंने लगाए हैं। जहाँ एक बात बताऊँ, मेरे ओपिनियन में मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई जो एक्टर्स हैं वो असल में एक्टिंग करते हैं, तो उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर कि पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वो चीज़ हमारी मूवीज़ वगैरह में रिफ्लेक्ट नहीं करनी चाहिए। एक्टर्स ये जो करेक्टर प्ले करते हैं, कुछ को तुम पसंद करते हो, कुछ से तुम हेट करते हो। जहाँ एक बात और बताऊँ, आखिरी बात बोलूँ, वो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि अगर इस मूवी के अंदर एम्बर हर्ड का रोल सही तरीके से दिखाया हुआ होता तो तुम्हें पता है इस मूवी के अंदर उसके जो कट्स वगैरह हैं वो होते तो मूवी बहुत अच्छे तरीके से एंड हो जाती है। लेकिन अभी जो एंड हो रही है वो तुम कह सकते हो एक अजीब सी एंडिंग है, और है भी डीसीयू की आखिरी मूवी, तो जैसे जा रही है जाने दो। यही था सब कुछ, तो मैं कैसे लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस जैसी वीडियो देखनी है चैनल को मारो सब्सक्राइब। मुझसे बस नहीं मिलना, मैं यहाँ मिल रहा हूँ। तब तक देखते रहो मसूद स्पीक्स। अल्लाह हाफिज़।